हर सुबह भारत के 20 करोड़ से अधिक बच्चे अपने जीवन को समृद्ध बनाने की योग्यता हासिल करने के उद्देश्य से स्कूल आया करते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास, जिसकी नींव प्राथमिक स्कूल में ही रखी जाती है। जिस देश की प्राथमिक शिक्षा मजबूत और शिक्षा व्यवस्था मूल्यों पर आधारित होती है, उस देश का भविष्य निश्चित ही उज्ज्वल हो सकता है। पिछले कुछ दशकों से पूरे विश्व में काफी बदलाव आ रहे हैं। मोबाइल और टेक्नोलॉजी की वजह से नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। ऐसे में शिक्षा के मायने और दायरे बदल रहे हैं। बदलते जमाने के साथ आज शिक्षा के क्षेत्र में भी मौलिक बदलाव लाने की आवश्यकता है। भारत देश को 30 साल के बाद एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है, जिसके अधीन बच्चों में ज्ञान, मूल्य, कौशल्य, विकास और देश के उज्ज्वल भविष्य के बारे में गहराई से सोचा गया है। मूल्यवर्धन कार्यक्रम नई शिक्षा नीति से पूरा अलाइंड है, जिस वजह से अब इस अनुभव का उपयोग पूरे देश में किया जा सकता है। मूल्यवर्धन यानी सामाजिक और संवैधानिक मूल्य पहली कक्षा से बच्चों में इनकलकेट करने के लिए उपयुक्त स्कूली वातावरण का निर्माण करना, विविध एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना और सही गलत का निर्णय खुद लेने की क्षमता को बढ़ावा देना, ये मूल्यवर्धन की विशेषताएं हैं। पिछले 2 दशकों से महाराष्ट्र और गोवा राज्यों ने इस कार्यक्रम को शासन का कार्यक्रम बनाकर जमीनी स्तर पर सभी सरकारी स्कूलों में क्रियान्वित किया है। दोनों राज्यों में इसके सकारात्मक परिणाम सिद्ध हुए हैं, जिसका पूरा श्रेय सरकारी शिक्षकों को जाता है। मूल्यवर्धन कार्यक्रम आजादी के बाद का प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रयोग माना जा सकता है। महाराष्ट्र और गोवा राज्य ने बदलते परिवेश में शांतिलाल मुत्था फाउंडेशन के साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन, निपुण भारत एवं पीएम श्री स्कूल जैसी योजनाओं को जमीनी स्तर पर यशस्वी बनाने के लिए अनुबंध किए हैं। हमने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने उनके साथ में MOU साइन किया है कि NEP 2020 इंप्लीमेंट करने के लिए भी हमें मुक्ता फाउंडेशन की मदद मिलेगी और खास करके मूल्यवर्धन का शिक्षण हम सेकेंडरी स्कूल में भी इंप्लीमेंट करने के लिए हमने उनके साथ MOU साइन किया है कि इस तरह के NGO सभी इकट्ठा आने के NAP अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हो सकती है और नव भारत निर्माण में आप सभी का सहकार्य हमेशा सरकार को रहे, यही आपको शुभेच्छा और बधाई। आओ हम सब मिलकर देश की उन्नति और प्रगति के लिए एक जिम्मेदार, सुशिक्षित, सुसंस्कृत और संवेदनशील पीढ़ी का निर्माण करें।